करने के लिए तैयार है शाहजहांगीर वॉरियर्स और हमारी आगरा की टीम हरान वीर की कयादत में ग्राउंड पे जाती हुई और इसमें मेरे साथ हमारे साउथ कश्मीर के पूरे कश्मीर के सीनियर क्रिकेटर मोहतरम मुश्ताक अहमद शाह साहब, तो इनसे बात करेंगे इस लीग के हवाले से और इनके स्पोर्ट्स कैरियर के हवाले से, क्योंकि अगर हम देखें तो आज के दौर में हमारे कश्मीर के सबसे सीनियर एक्टिव क्रिकेटर है मुश्ताक साहब आपका खैर मकदम है। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा इस लीग के बारे में, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म ये लीग आपकी नजर में क्रिकेटर्स के लिए? ये छोटे बच्चों के लिए तो मेरे ख्याल में ये सबसे पहला लीग हमारे इस मौसम में है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हर कोने से हमारे अलमा के हर कोने से हर सारे कश्मीर से यहाँ लड़के खेलने आए, जो यहाँ के छोटे बच्चे हैं जिनमें बहुत टैलेंट है, लेकिन बदकिस्मती से इसमें एक ही चीज की कमी है, कोई गरीब लड़का इतने बड़े लीग नहीं खेल सकता, ना हम उन पर ले सकते हैं। हम तो बड़े बड़े खिलाड़ी को लेते हैं, लेकिन वो भी है प्लेटफॉर्म बनता है उस छोटे बच्चे के लिए कि उसके जहन में भी रहता है कि हम कैसे खेलेंगे, किस तरह इस मुकाम पर पहुंचे, इससे तो बहुत ही फायदा है यहाँ के लड़कों के लिए। अच्छा सर, यहाँ पे मैंने देखा जो हमारे कश्मीर के रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर्स हैं, लगभग सारे क्रिकेटर्स यहाँ पे आए, तो क्या लग रहा है आपको कि उनका यहाँ पे आना और यहाँ के जो क्रिकेटर्स हैं जो चाहते हैं कि हम स्पोर्ट्स में आगे बढ़े क्रिकेट में, तो कितनी इंस्पिरेशन उन खिलाड़ियों के लिए वो बड़े जो यहाँ पे रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर्स आए तो उनकी वजह से उनको इंस्पिरेशन कितनी मिली? इंस्पिरेशन तभी मिलती है जब एक लड़के में ये लगन हो कि मुझे कुछ सीखना है, जब वो जहनी तो फिजिकल फिटनेस उसकी अच्छी हो तभी वो आगे जा सकता है। बाकी मैं यहाँ बैठ कर देखूँ कि वहाँ रणजी खिलाड़ी खेल रहा है तो मैं भी बनूँ, बैठने में नहीं बन सकता हूँ जब तक उसमें खुद का उसका लगन नहीं हो कि मुझे कुछ करना है। बाकी ये वाकई है कि जब कोई बड़ा खिलाड़ी खेलने आता है तो छोटा खिलाड़ी उसको देख कर जिसको सीखने का लगन हो तो वो उसको देख कर आगे चलने की उसमें हिम्मत हो जाती है। सर, यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगा, हम देख रहे हैं कि पूरे कश्मीर में अभी तक जो क्रिकेट है या इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं हुआ है एज कम्पेयर टू जो हमारे बाकी स्टेट से इंडिया के, तो आपकी नजर में हमें क्या क्या इकदाम उठाने चाहिए इस हवाले से? वैसे डॉक्टर साहब, आपको ये तो पता ही है, आप कहीं बाहर के तो नहीं है, आप कश्मीर के ही है, सिंध समाज से 30 ईयर हम कश्मीर सफर कर रहे हैं बहुत सारा, तो फिर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है, तो इसके बारे में आप खुद जान सकते हैं, उससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ। अच्छा सर, आप डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के ट्रेजरर के पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का क्या जो मैं समझता हूँ कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है अगर क्रिकेट के हवाले से, क्रिकेट डेवलपमेंट के हवाले से? क्रिकेट डेवलपमेंट के हवाले से जब तक बीसीसीआई ऐसे कोई गाइडलाइन नहीं आएगी, अभी सारे हिंदुस्तान में लोगों से क्रिकेट सारा बंद पड़ा हुआ है, जो भी कुछ हो रहा है वो पर्सनल एफर्ट से हो रहा है। आपको तो सामने ही है, हमारे पिछले दिनों इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हुआ श्रीनगर में, सारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से हमने लड़के ट्रायल के लिए बुलाए और उनका रिजल्ट आपके सामने है, सारे कश्मीर को हमने डोमिनेट किया और अनंतनाग रेड्स और अनंतनाग में पार्टिसिपेट किया फाइनल में, और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और आगे भी ऐसे ही कोई टूर्नामेंट ऐसे भी और भी इकदाम है जिससे यहाँ के लोगों को बहुत फायदा होगा। सर, आपको जो हमारे युवा क्रिकेटर्स है उनके लिए क्या मैसेज जाएगा? मैसेज यही है कि अपने गेम से मतलब रखो, किसी चीज में जहाँ पर अपना फ्यूचर हो किसी मोबाइल से मत आ जाओ, सिर्फ अपने गेम पर ध्यान रखो, अपने फिटनेस पर ध्यान रखो, घर में प्रैक्टिस करो, या जो मुमकिन नहीं है कि आजकल के दौर में हर जगह मिलेंगे प्रैक्टिस क्रिकेट या जो भी कोई, और देखिए आप श्रीनगर में ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर 10-10, 12-12 टीमें एक साथ एक विकेट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस लड़कों में अपना ही लगन होना चाहिए कि हमें कुछ सीखना है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे मुश्ताक अहमद शाह सर, जो हमारे कश्मीर के सबसे सीनियर एक्टिव क्रिकेटर है हमारे कश्मीर के, तो सर मैं उम्मीद करूंगा जो आपने अभी जोश बलबला है क्रिकेट को लेकर ये आगे भी रहेगा और आपकी जो गाइडेंस है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सर।